सममूर्तये श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने नमः विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायणेति नामिने नमः विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने अतिमर्थ चरित्राय स्वाश्रितानंच पालिने जीव दुखे सदात्राय श्रीनाम प्रेमदायिने नामयाम विष्णुपादाय कृष्ण भ्रष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्री भार्षभानवि देवी दयिताय कृपाद्वये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्यजल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणे श्री रूपानुग विरुधाप सिद्धांत धंत हारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात वैराग्य मूर्तये विप्रलंबर सांबुधे पादांबुजाय ते नमः नाम भक्ति विनोदाय सचिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौरावृभावमिष्टं निर्दिष्टा स्वजन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रतिदेवी सत्यवतये नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे दावनल सम संसार दहने दग्ध जीव कुल उद्धार कारणी करुणा वारी कृपा वारी दाने बंद से गुरु चरण कमल नृत्य गीत वाद्य श्रीहरि कीर्तने रहे न मगन महामत मने रोमांच कंपासु आए गौर प्रेमे बंद से गुरु चरण कमल नृत्य गीत वाद्य श्रीहरि कीर्तने रहे न मगन महामत मने रोमांचकं पाशु हाय गौर प्रेमी वंदिते गुरु चरण कमल सदरत जीने विग्रह सेवने श्रृंगार दियार मंदिर मार्जने करे ननी जुप्त अनुगत जने वंदिते गुरु चरण कमल सर्वसुशले पेय रसमय प्रसादन कृष्णेर अति स्वगुहे भक्तास्वादने निज तृप्त रहे वंदिते गुरु चरण कमल
श्री राधा माधव नाम रूप गुने अनंत माधुर्य लीला स्वादने लोभ चितहिनी हन प्रतिक्षणे वंदे श्री गुरु चरण कमल ब्रज जुव द्वंद रति संवर्धने युक्ति कर सखी सन वृंदावनी अति दक्षताए प्रियतम गणे वंदे श्री गुरु चरण कमल सर्वशक्ति श्री हरि स्वरूप भक्तगण भावे से अनुरूप किंतु भृगुजनी प्रियतम रूप वंदे श्री गुरु चरण कमल जहर प्रसाद कृष्ण कृपा पाए जार प्रसादे अन्य गति नाए त्रिसंध्या कीर्तिर सावधानी भाई बंदे श्री गुरु चरण कमल गुरुदेवाष्टक अति जत्न करी ब्राह्मी मुहूर्ते परे उच्च करी वृंदावन नाथ साक्षात श्रीहरि सेवा पाए से वस्तु सिद्धि काल बंदे से गुरु चरण मल गुण चंद गुरु चरण जय गुरु देव जय गुरु देव गुरु देव जय गुरु देव जय गुरु देव जय गुरु देव गुरु देव जय गुरु देव वृंदावन वासी जत वैष्णवेर गान प्रथम वंदना करी सवार चरण नीलाचल वासी जत महाप्रभु गान भूमि ते पर्यावंद सवार चरण नवदीप वासी जत महाप्रभु भक्त सवार चरण बंद अयानुराग महाप्रभु भक्त जत गौरदेश सवार चरण बंद हरिया प्रणति जे से वैसे गौरंगे रगन उर्दवाव करी बंद सवार चरण अयचे नहीं प्रभु जात दास सवार चरण बंद दंते करी घास ब्रह्मांड तरी ते शक्ति घर जनी जाने विविध गुण गाय जे वासुने महाप्रभुर गण साव पति तपावन काय लोभ मुहि पापी नो शरण वंदना करी ते मुहि कतो शक्ति धारी तम बुद्धि दोसे मुहि दम्भ मात्र करी तथापि मुकेर भाग्य मने रहुलास दोस कमी मोधमी करनी जगास सर्व वंचति देहाय जम बंध चोटे जगते दुर्लभ हय प्रेम धन लोक
से मन रवा तन पूर्ण अति रात हाया देवकी नंदन दास लोभे जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रियद्वैत गदाधर शिव सदि गौभक्तवृन्द श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु दयाकर मोरे निकालो तुमा बिना के दयालो जगत संसारे पतित पावन हेतु तब अवतार मौसम पतित प्रभु ना पाई वे आर आ प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी कृपा बलोकन कर आमी बड़ दुखी दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई तब कृपा भले पाए चैतन निताए आ स्वरूप नाथ रूप रघुनाथ भट युग त्रिदेव प्रभु लोकनाथ दया कर श्रीयाचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास दया कर श्रीयाचार्य जया कर प्रभु पाद हृदय सदास सुध वैष्णवेर संग मागे हे अधम दास दया कर गुरु देव पतित पावन विचरणी सेवा मागे हे पतित जन ललिताय दयाल गौ दयाल मिताय दयाल गौ दयाल मिताय दयाल गौ दयाल मिताय दयाल गौ गौरांग बोली ते हवे पुलक शरीर बोल गौरांग बोली ते हवे पुलक शरीर हरि हरि बोली ते ना यानी बाबली हर कबनी ताई चांदे करुणा है वे संसार वासना मोर कबे तो चहावे विषय छड़िया कबे सुधावे माना कबे हम दे श्री वृंदावन रूप रघुनाथ पदे आईबे अकोते तब हम बुझावसे जुगल प्रीति रूप रघुनाथ पदे रघुकुमार प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास
पूरा हो गया। जय गौर हरी सचि नंदन जय गौर हरी जय सचि नंदन जय गौर हरी सचि नंदन जय गौर। निकाल जीव जाग जीव जाग बोले जीव जाग जीव जाग गोरा चांद बोले पत निद्र जाओ माया पिशाचीर कोले अजीब बोलिया ऐसे संसार विकारे बोलिया रहले तुम्हें अविद्यार बोले तुम्हारे लय अनुवतार आमी बिना बंधु बोल के आचे तुम्हार एन छे औषधि माया नासिवार लागे हरि नाम महामंत्र ला तुम्हें मागे भक्ति विनोद करणी परियासे हरि नाम महामंत्र लैला मगेरा जय सचि नंदन जय गौरहरी सचि नंदन जय गौरहरी जय सचि कब स्तम के तलियो एनी जाओ छ ओ कब श्री चैतन्य नंबर समान पड़े आसले गाड़ी नहीं गई 47 बोले कब श्री चैतन्य हमरे करिवे ना दया कब आ मिठाई पास छाया कबे आमिठाड़ी भये विषय अभिमान कबे विष्णु जनी आमी परिवसनान काल वस्त्र कृतांजलि वैष्णव निकटे दंते त्रिण करी दाया इवानी सकते कांदिया कांदिया जाना इव दुख ग्राम संसार न लयते मागी व विश्राम दुनिया मार दुख वैष्णव वैष्णव चरणी कृपा करी संगेला चिंतनी जय सचि नंदन जय गौरहरी सचि नंदन जय गौरहरी जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय हरे कृष्णा नींद आ रही ना कृष्ण देव भवंतं वंदे कृष्ण देव भवंतं कृष्ण देव भवंतं वंदे कृष्ण देव भवंतं मन मानस
मधुकाय अमर पय निज पद पंकज मकरंद बोलो मन मानस मधुकाय अमर पय निज पद पंकज कृष्ण देव भवंतं कृष्ण देव यद्यपि समाधि सुविधिरपि पाशति न तव न खग्रमरीति यद्यपि समाधि सुविधिरपि पाशति न तव न तदपि कृपाद्भुतमेति इदानीं कृष्णदेव भवन्तं वन्दे कृष्णदेव भवन्तं वन्दे भक्तिरुदन्तति यद्यपि माधव न त्वयि मम तिल मात्री भक्तिरुदन्तति यद्यपि परमेश्वरता तदपि तवाधिक दुर्घट घटन विभात्रे कृष्णदेव भवन्तं वन्दे अयमविलोलत आद्य सनातन कलिताद्भुतरसभार निवसतु नित्यमृहामृतनिन्दिनि बिन्दन मधुरि मकार कृष्णदेव भवन्तं वन्दे राधे जय जय माधव दयिते जय 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 माधव दयिते गोकुलत सनातन वर्णित
चारे जय राधे जय जय माधव दयित जय राधे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण नितई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नितई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि ओम ज्ञानतिमिरामुदस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः तमे गीता गीता पढ़िब ये पिला माने सब कहिबे पुरीरे तो कहले नि एठी सब कहिबो ठीक अछि करिकि आ शीघ्र आस काल तम प्रथम नंबर तम रहो गुरुदेव हिंदी में भी बता दो हाँ वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे भो नमो नमः वृंदाई तुलसी देव्य प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतये नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे 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 कृष्ण। हाँ, सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजी को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। आज हम लोग ये भगवत गीता को हम लोग श्रवण करेंगे और तुम लोग कोशिश, बच्चे लोग कोशिश करना, बाद में मैं तुम लोग को एक व्यक्ति आना, मैं जिसको लिखवा दूंगा, ठीक है? फिर उससे तुम लोग उससे सबके सब उतार लेना, ठीक है ना? उस अभी लिखने का ज़रूरत नहीं, बाद में एक व्यक्ति को मैं बता दूंगा, तुम जैसे आ जाना, हम बता दूंगा कहाँ से क्या क्या लिखना है, और फिर तुम्हारी नोटबुक से ना ये लोग सबके सब उतार देंगे, सबके सब हिंदी में सब कुछ है। हाँ देखो, ये जो भगवत गीता है, कहती है भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपलक्ष्य करते हुए उन्होंने ये गीता उपदेश दिया है। कहते जो अर्जुन को नहीं बल्कि ये कृष्ण का प्रिय सखा है, कृष्ण की प्रिय सखा ये अर्जुन है, इसलिए ये भगवान का नित्य सिद्ध परिकर है। भगवान इनको साथ में नित्य द्वारका में, कृष्ण इनको साथ में लीला करते हैं, लेकिन इन्होंने अर्जुन के अंदर में मोह जन्मा करके हैं। अर्जुन को कभी मोह नहीं हो सकता, क्योंकि मोह तो हम लोग को होता है, हम लोग मायाबद्ध जीव, मोह तो हमारी होगा, और अर्जुन तो भगवान का परिकर है, हैं? इतने बड़े परिकर अर्जुन हैं। एक दिन नारद जी द्वारका में गए कृष्ण को दर्शन करने के लिए, और वहाँ पर देखा एक बिस्तरा में कृष्ण अर्जुन दोनों लेट हुए हैं, और कृष्ण का चरण का तरफ में अर्जुन का सर है, और अर्जुन का सर का तरफ में कृष्ण का चरण है, और अर्जुन का जो चरण को माँ लक्ष्मी पलट रही थी, और कृष्ण चरण को द्रौपदी पलट सेवा कर रही थी। और वहाँ पर जब नारद जी गए ना, देखा अर्जुन की हैं हर रोम रोम से कृष्ण 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 नाम उच्चारण हो रहा था, और नारद तो बिना बजा करके नाचना शुरू कर दिया हैं, बिना बजा करके, मतलब ऐसे अर्जुन कृष्ण का प्रिय सखा है, उनका मित्र है, सखा है, सब कुछ। और कृष्ण जिनका स्वयं रथ में, कृष्ण इनके रथ को चलाया करते थे हैं, ये सारथी का काम करते थे कृष्ण, समझो ये कितने बड़े अर्जुन कृष्ण की कितने बड़े सखा है। केवल इतना नहीं, सुभद्रा को साथ में किसकी शादी हुई है? अर्जुन का शादी हुई, मतलब उनका क्या लगते हैं कृष्ण, क्या लगते हैं साला सा है, तो समझो वो कितने कृष्ण की कितने प्रिय है। इसलिए भगवान जिनके घर में, कहते गुढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम, कहते जो गुढ़ परम ब्रह्म जो भगवान ये मनुष्य शरीर में पांडवों को घर में हर समय रहा करते थे, और सवेरे देखो ना बड़े बड़े ऋषि मुनियों का घर को सामने लाइन लगी रहती थी कृष्ण को दर्शन करने के लिए, और वो कृष्ण कहाँ पर, पांडवों को घर में निवास करते थे। इसलिए तो अर्जुन है ये कृष्ण का प्रिय ये सखा, इनको कभी मोह नहीं हो सकता है, लेकिन उन्होंने मोह की उन्होंने बहाना बनाया है। अगर इनको मोह नहीं होता तो ये गीता उपदेश नहीं होता, केवल उन्होंने बहाना बनाया, बहाना बना करके कृष्ण ने अर्जुन को उन्होंने
बछड़ा बना करके कृष्ण स्वयं गैया बन गए और अर्जुन क्या बन गया? बछड़ा। जैसे बछड़े के बगैर गैया दूध नहीं देती है, उसी तरह उनको बछड़ा बना करके उन्होंने गीता रूपी अमृत को अर्जुन को उन्होंने पान कराया। इसलिए और इसको ऊपर भी जो टीका है, टीका तो हमारे भारत में पता नहीं कितने लोगों को टीका भगवत गीता के ऊपर में, कितने लोगों को टीका भगवत गीता के ऊपर में, लेकिन कोई ज्ञानी है, कोई कर्मी है, कोई योगी है, कोई भोगी, ये सब के सब टीका की है, लेकिन जो गीता का जो वास्तव अर्थ किसको हृदय में प्रकाश होता है, बोले एक भक्तों का हृदय में, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं साधव हृदय विहम साधु नाम हृदय तुहम, क्योंकि साधु का हृदय में मैं रहता हूँ और मेरे हृदय में साधु रहते हैं, इसलिए भगवान की जो हृदय को कौन समझ सकता है, कहते एक भक्त ही भगवान का हृदय को पूर्ण रूप में समझ सकता है। इसलिए इसकी इसको ऊपर में श्री भक्त विनोद ठाकुर का टीका है, रसिक रंजन टीका है, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का सारार्थ वर्षणी की विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका है, श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु का टीका है इसको ऊपर में, और हम जो टीका को हम पढ़ेंगे कहते श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का टीका है। कहते विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कौन थे? इनका नाम ही विश्वनाथ चक्रवर्ती हैं। विश्वनाथ मतलब क्या? जो विश्व का पूरा नाथ है। चक्रवर्ती मतलब होता है संपूर्ण दुनिया में जो चक्रवर्ती रूप में श्रेष्ठ रूप में, जैसे चक्रवर्ती राजा कहते हैं, इसलिए संतों में ये चक्रवर्ती संत थे। कहते इनको माना जाता है रूप गोस्वामी का दूसरा रूप है, हैं? रूप गोस्वामी जैसे महाप्रभु के साथ में आए, उनके हृदय की भाव को प्रकट किया, हैं? जैसे उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ लिखे रूप गोस्वामी, फिर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने देखा कलयुग में जीव का इतना समय होगा कि नहीं, फिर उनने भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु एक छोटी ग्रंथ लिख ली, बोले एक छोटी ग्रंथ को पढ़कर कि इनको पता चल जाए, फिर उन्होंने लघु भागवतामृत लिखा, फिर रूप गोस्वामी लघु भागवतामृत कर्ण लिखा, हैं? फिर रूप गोस्वामी उज्ज्वल निर्मणि ग्रंथ लिखे, फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उज्ज्वल निर्मणि किरण कर्ण लिखे छोटे रूप में, जैसे छोटे रूप में जीवों को सारी चीजें पता चल जाए। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का जो टीका है भागवत में सारार्थ दर्शनी जो टीका, अद्भुत टीका, जब तक ये टीका को नहीं पढ़ेंगे ना तब तक ये कभी रसिक कभी नहीं बन सकते हैं, ये कभी रसिक नहीं बन सकते हैं। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो टीका है अद्भुत है, क्या क्या उनका ग्रंथ हम बाद में सब सुनेंगे, स्वप्न बलास मृत और जो संसार दाव आरल इसको जो गाते हैं इनका ही है, कितने ग्रंथों उन्होंने श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखे हैं, हैं? कहते ये भगवान कृष्ण लीला में राधा रानी की ये एक सखी हैं। एक समय इनको कुछ सहजिया लोग मारना चाह रहे थे, क्योंकि उन्होंने श्री परकियाबाद को स्थापन किया, कुछ लोग उनको मारना चाह रहे थे और छुप गए झाड़ी में, बोले ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का जान से खत्म कर देंगे। उन्होंने देखा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उधर से आ रहे हैं, ये झाड़ी में छुपे हुए, लेकिन देखा उन्होंने जो पास में आए ना एक सुंदरी सखी रूप है, हाथ में एक झुड़ी है, हैं? एक क्या बोलते हो टोकरी हाथ में, हैं? जैसे सखियां जैसे फूल चयन करने के लिए जाते हैं, और बड़ी सुंदरी एक प्यारी गोपी। तो उन्होंने देखा वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आ रहे थे, ये इतनी सुंदर सखी कहाँ से आ गया? फिर जब इन पास में आए तब उन लोगों ने फिर पूछा इन लड़की को, बोले उधर से तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आ रहे थे, वो कहाँ गए कहाँ? तो उन्होंने थोड़ी मुस्कुरा दिया, लेकिन जब थोड़ी देर बाद में देखा ना फिर वही विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जा रहे, बोले ये तो कोई साधारण नहीं, ये तो राधा रानी की प्रिय सखी। फिर जाकर के इनके चरण में गिर गए, फिर उन्होंने माफी मांगी, हैं? इसलिए इनकी अनुगत्य में श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने इनका ही शिष्य है, उन्होंने जयपुर में जाकर के राधा गोविंद का जो प्रेम की जो सेवा को उन्होंने स्थापन किया, बड़ी लंबी कथा है। इसलिए हम इनको जो टीका हम जो पढ़ेंगे, इनकी टीका है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का टीका है, आपको इनका टीका सुनने से पता चलेगा ये कितने बड़े विद्वान थे, ठीक है?
बोले श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। इसलिए आज हम लोग गीता का पहला श्लोक सुनेंगे और ये लिख लेगा, तुम लोग नोट कर लेना और कोशिश करना एक श्लोक को याद करने के लिए। अभी तो तुम लोग बच्चे लोग है, जल्दी जल्दी तुम्हारी याद हो जाएगी। और कोशिश करना इसका जो एक एक अर्थ है, उन्होंने क्यों इसमें एक एक शब्द को उच्चारण किया है, उसका क्या रहस्य है, और थोड़ी बहुत उसको याद करने के लिए, ठीक है ना, तुम लोग कोशिश करना। इसलिए भगवद गीता का जो पहला श्लोक है, बोले धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुस्सव माम कहा पांडवाश्चैव कोम किम अकुर्वन संजय। ये गीता का पहला श्लोक है। इसका जो पहला शब्द है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कहते ये कुरुक्षेत्र में ही ये दोनों युद्ध, महाभारत युद्ध कहाँ पर हुई थी, बल्कि ये कुरुक्षेत्र में हुई थी। बल्कि यहाँ प्रश्न है, बहुत सारे स्थान था युद्ध करने के लिए, लेकिन इन्होंने कुरुक्षेत्र को ही क्यों चुना है, इसका क्या रहस्य है। कहते कुरु, कुरु मतलब कुरु और पांडव है, ये दो वंश है, पंडु महाराज के ये पांचों पांडव है और कुरु वंश के श्री कौरव लोग है, इसलिए ये दोनों ने, कहते ये कुरुक्षेत्र में ही क्यों ये स्थान को चुना, और तो बहुत सारे स्थान था ना, और भी तो कहीं युद्ध कर सकते थे। तब इसका विश्वनाथ चक्रवर्ती के कारण कहते हैं, कहते जो जो कुरुक्षेत्र है, कहते कि कुरु नाम का कोई एक राजा थे, इन्होंने जो कुरुक्षेत्र को उन्होंने खेती कर रहे थे, जब खेती कर रहे थे इतने में स्वर्ग से इंद्र उतर करके आया, बोले इसको क्यों खेती कर रहे हो, बोले यहाँ पर जो व्यक्ति युद्ध करेंगे बाद शरीर छोड़ेंगे यहाँ पर, बोले को सबके सब स्वर्ग गमन करेंगे। जब ये बात को बताई इंद्र, उन्होंने बड़े उपहास करते हुए, बेकार तुम खेती कर रहे हो हैं, बिना कारण के कुछ नहीं होगा, उन्होंने उपहास करते हुए चले गए। लेकिन इस चले जाने पर भी तब भी से जो कुरु राजा कंटिन्यू उसको खेती करते रहे, फिर इंद्र आया, फिर पूछा तुम यहाँ पर क्यों खेती कर रहे हो, बोले यहाँ पर जो व्यक्ति शरीर त्याग करेगा वो स्वर्गों को प्राप्त करेगा। फिर उन्होंने हंसी उड़ाते हुए चले गए। लेकिन जो कुरु राजा वो खेती करना नहीं छोड़े, उसको कंटिन्यू खेती करते रहे, हैं कंटिन्यू खेती करते रहे। फिर इंद्र आया, फिर पूछा, ऐसे बहुत बार उन्होंने उनको बहकाने के लिए कोशिश किया, लेकिन जब देखा ये राजा छोड़ेंगे नहीं, फिर सारे देवता लोगों ने मिल करके इंद्र को बोले, फिर इंद्र आकर के बोले सही बात बता रहे हो, ये जो क्षेत्र है और कुरु महाराज ने वहाँ पर कितने हजार वहाँ पर यज्ञ उन्होंने किया था। फिर इंद्र ने वरदान दिया, बोले ठीक है, अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति अपना शरीर छोड़ेगा तो वो मुक्ति को प्राप्त करेगा, भगवत प्राप्त करेगा। इसलिए वो जो कुरु क्षेत्र, इसलिए कुरु नाम का राजा ने वो खेती किया था, इसलिए वो स्थान का नाम पड़ गया कुरु क्षेत्र नाम पड़ा। इसलिए पंच पांडवों ने वही स्थान को चुना, क्योंकि कुरु नाम का राजा ने खेती किया था, जो युद्ध करेगा देवता लोग को वरदान दिया, जो यहाँ पर शरीर छोड़ेगा उस स्वर्ग को मोक्ष प्राप्त करेगा, इसलिए उन लोगों ने वही स्थान को चुना। सब तो कोई तो मरेगा, और जो मरेगा कहाँ प्राप्त होगा, उनको स्वर्ग मोक्ष प्राप्त होगा। और दूसरा अर्थ क्षेत्र क्या है, क्षेत्र इसका नाम क्षेत्र ऐसे क्यों बोला, कुरु क्षेत्र, क्षेत्र मतलब जमीन है, तो उन्होंने उदाहरण दिया है, इसलिए इसका नाम कुरु नाम का क्षेत्र दिया। क्षेत्र मतलब जमीन, कि जमीन आप लोगों ने कभी पेड़ पौधा लगाया, घास कभी देखे हो, धान की घास, आप देखना जब कोई धान का कहीं बीज बोया जाता है, हम लोग गांव के हम जानते हैं, जब धान बोया जाता है उसमें एक श्यामा नाम का घास होता है, श्यामा घास होता है। लेकिन जब धान बोते हैं वो धान तो छोटा छोटा वृक्ष होता है, लेकिन जो श्यामा वृक्ष होता है वो बड़ा बड़ा होता है, एकदम काला काला रंग का बड़ा बड़ा होता है। एक श्यामा चावल देखना है,
जो लोग एकादशी में उसको खाते हैं श्यामा चावल को, इसलिए क्या होता है ये श्यामा घास वहाँ पर उगता है। उग करके जो रस मिलना चाहिए धान वृक्ष को और उसको इस पूरा के पूरा ले लेता है और धान का वृक्ष अंदर में छुप जाता है। लेकिन जो अच्छे किसान होता है उनको जानकारी होता है ये मूल धान वृक्ष कौन सा और ये श्यामा वृक्ष कौन सा, वो क्या करता है श्यामा वृक्ष को उखाड़ लेता है। उखाड़ लेने पर फिर जो सार जो पुष्टि मिलता है धान को, अगर उसको अगर नहीं निकालेंगे ना क्या होगा, वो जो रस मिलना चाहिए था धान को वो कुछ नहीं मिलेगा, उसका अंदर में ही समा जाएगा, खत्म हो जाएगा धीरे धीरे और श्यामा गाछ ही भर जाएगा। उसी तरह कहती ये कुरुक्षेत्र में है, ये कुरुक्षेत्र में कहती ये श्यामा घास कौन है, बोले ये दुर्योधन आदि दुष्ट लोग हैं। हैं कहती ये धान का वृक्ष कौन है, बोले ये पांडव है, पांडव लोग धान वृक्ष है और जो कुरुवंश है ये श्यामा वृक्ष है। कहते उसको किसान कौन है जो खेती करता है, बोले ये भगवान कृष्ण, ये भगवान कृष्ण स्वयं जो कृषक है, कृषक क्या करता है पानी का सिंचन करता है, पानी का सिंचन करता है कृषक, सिंचन करके श्यामा वृक्ष को उखाड़ लेता है। उसी तरह कहते ये कुरुक्षेत्र है, जो क्षेत्र मतलब जमीन, ये जमीन में किसान स्वयं कृष्ण और पांडव लोग धान वृक्ष और श्यामा वृक्ष कौन हो गए दुर्योधन आदि। इसलिए कृष्ण ने क्या किया, वो अच्छे किसान है कृष्ण, उन्होंने श्यामा वृक्ष को उन्होंने उखाड़ फेंके, मतलब दुर्योधन आदि दुष्टों को उन्होंने क्या किया उखाड़ करके फेंक दिया, फेंक करके जो मूल वृक्ष जो धान है उसको उन्होंने रक्षा किया। इसलिए कहते धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता जुजुस्तवा माम कहा पांडवाश्चय किम अक्रुवन संजय। देखो यहाँ पर कितनी अच्छी अच्छी बात बताते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, यहाँ पर कह रहे हैं श्री कौन कह रहे हैं यहाँ पर कह रहे हैं धृतराष्ट्र, बोले कह रहे हैं किसको, बोले संजय को कह रहे हैं, संजय को कह रहे हैं, बोले क्या कह रहे हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में और ये जो कुरुक्षेत्र हैं इसमें समवेता जुजुस्वा, कहते युद्ध करने के लिए जो वहाँ पर समवेत हुए हैं कौन कौन, बोले माम कहा पांडवाश्चैव मेरे पुत्र और जो पांडु पुत्र वहाँ पर एकत्रित होकर के युद्ध करने के लिए एकत्रित होकर के उन लोगों ने क्या किया। देखो यहाँ प्रश्न क्या होता है, भैया यहाँ पर तो युद्ध करने के लिए उपस्थित हुए हैं, किस लिए वहाँ पर युद्ध उपस्थित हुए हैं, युद्ध करने के लिए तो उपस्थित हुए हैं, कहते युद्ध करने के लिए उपस्थित हुए हैं तो युद्ध करने के लिए युद्ध ही तो करेंगे, फिर ये प्रश्न क्यों कर रहे हैं उन लोगों ने क्या किया, फिर प्रश्न करने का क्या जरूरत। महाभारत तो सुने हैं ना, कृष्ण ने कितना कोशिश किया टालने के लिए, लास्ट में कृष्ण शांति दूत भी बनकर गए, बोले पांडवों को ज़्यादा कुछ जरूरत नहीं, केवल 5 गांव दे तो उसमें खुश हो जाएंगे, तुम लोग सारे भोग करो। लेकिन दुर्योधन ने क्या, बोले बगैर युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी मैं जमीन देने के लिए तैयार नहीं। तो कृष्ण तो बहुत कोशिश किए, बहुत कुछ करने का बाद ये युद्ध के लिए उपस्थित हुए, फिर यहाँ पर फिर ये धृतराष्ट्र क्यों फिर प्रश्न करता है युद्ध करने के लिए पहुँचे फिर क्या की, ऐसे क्यों बोल रहे हैं, देखो इसमें प्रश्न हो रहा है। तो इसका कारण कह रहे हैं ये जो धृतराष्ट्र ये मन मन में सोच रहा है, बोले क्या मन मन सोच रहे हैं, बोले वो स्थान क्या है, बोले कुरुक्षेत्र स्थान पवित्र स्थान है, गुरु नाम के राजा ने खेती किया और वहाँ पर देव जजनम वो स्थान है, देव जजनम देवताओं का पूजा स्थान कुरुक्षेत्र है, हैं और वहीं पर श्री हाँ वहीं पर श्री परशुराम ने समंत पंचकम है ना, वहाँ पर अब गए कि नहीं कुरुक्षेत्र में, वहाँ पर जिस समय श्री क्या अरे नाम क्या खुल गया परशुराम, इसलिए जिस समय परशुराम ने ये पृथ्वी को निक्षेत्र किया 21 बार उन्होंने सारे क्षत्रियों को मारे 21 बार, इसलिए उन्होंने खून का कुंड बना दिए थे, हैं
खून का कुंड बना दिए थे, इसलिए वहाँ पर जब खून का कुंड बना दिए उसको बाद में श्री परशुराम जी बोले इससे मुक्त कैसे होंगे, इतना पाप किया। वो कुरुक्षेत्र में उन्होंने सेमंत पंचकम वहाँ पर, वहाँ उन्होंने सब स्नान करते ना ब्रह्म कुंड में, उन्होंने वहाँ पर पांच स्थान पर उन्होंने यज्ञ किया था। हाँ, इसलिए सेमंत पंचकम पांच कुंड है वहाँ पर, जहाँ पर स्वयं कौन परशुराम भगवत अवतार जहाँ पर उन्होंने यज्ञ किया था, पांच यज्ञ उन्होंने किया था, कुंड वहाँ पर भी है। इसलिए वो स्थान इसी दृष्टिकोण से भी वो स्थान पवित्र स्थान है। इसलिए धृतराष्ट्र मन मन में सोच रहा है कि तो भैया जो स्थान है ना पवित्र स्थान है, हैं पवित्र स्थान है, और स्वाभाविक रूप में जो पांडव लोक है ये तो बड़े धार्मिक लोग, युधिष्ठिर महाराज कौन है धर्म स्वरूप, पर पंच पांडव का स्वाभाविक रूप में इनकी धर्म में रुचि इनकी, ये दुर्योधन दुष्ट है, लेकिन दुष्ट होने पर भी जो स्थान है ना, कहते ना जैसे वृंदावन धाम जाओ सब जगह में देखो राधे 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 हैं, इसलिए धाम का एक प्रभाव होता है। इसलिए धृतराष्ट्र ये सोच रहा है ऐसे नहीं वहाँ पर गए युद्ध करने के लिए तक पहुँचे, ऐसे नहीं वो स्थान का प्रभाव से इनका हृदय परिवर्तन तो नहीं हो गया। अगर युधिष्ठिर महाराज का हृदय परिवर्तन हो जाएगा, इन लोगों का हृदय परिवर्तन हो जाएगा, अगर युद्ध नहीं होगा ना फिर क्या होगा, मेरे बच्चों के लिए जो निष्कंट का जो राज्य ये नहीं रहेगा, पांडव रहेंगे ना, पांडव रहेंगे तो मेरे बच्चों को निष्कंट का राज्य ही नहीं मिलेगा। फिर धृतराष्ट्र क्या सोच रहे, बोले युद्ध होना ठीक है, युद्ध होना ठीक, बोले क्यों युद्ध होना ठीक, बोले मेरे पक्ष में 11 अखौनी सैनिक और पांडवों का पक्ष में 7 अखौनी, फिर मेरे बच्चों को पक्ष में कौन कौन है, बोले पितामह भीष्म ये कौन है जिनका इच्छा मृत्यु है, जब तक इनको हाथ में धनुष रहेगा ना पृथ्वी में किसी ने जन्म नहीं लिया इनको कोई परास्त कर सकते। आप लोग देखे होंगे जब परशुराम के साथ में भी भीष्म का युद्ध हुआ, जीत गए ना, क्या पराक्रम, भगवान के साथ में भी युद्ध हुई और उनको भी कुछ नहीं कर पाए। और इनको पक्ष में कौन, बोले द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य कौन है, ये इनका गुरु है, पांडव गुरु का गुरु है, गुरु है, इसलिए जब तक इनको हाथ में धनुष है ना इनको भी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, अर्जुन भी कुछ नहीं कर सकता है, और श्री अर्जुन पराक्रमी हैं, लेकिन होने पर भी और श्री द्रोणाचार्य और जो भीष्म की उनको कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए फिर इनको पक्ष में कर्ण भी है, फिर 11 अखौनी सैनिक है इनके अंदर में, दुर्योधन है, कृपाचार्य इनके पक्ष में, अश्वत्थामा हैं, कर्ण इनको पक्ष में, बड़े बड़े बलवान, वो सोच रहा है अगर युद्ध होगा ना अच्छा ही होगा, युद्ध होने से क्या होगा निश्चित रूप में हमारी पक्ष का विजय, अगर विजय होगा पांडव मारा जाएंगे, मारा जाएंगे तो मेरे बच्चों को निष्कंटक राज्य मिल जाएगा, इसलिए ये मन मन में ये सोच रहा है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं भैया इन लोगों ने एकत्रित होकर के वहाँ पर उन लोगों ने क्या किया था, इसलिए इनके मन में ये शंका है, किम अकुर्वत संजय, कहते हे संजय इन लोगों ने क्या किया युद्ध में उपस्थित होकर के। कहते जो संजय है ये संजय कौन है बोलो, हाँ इसलिए कहते जो संजय है हैं, कहते ये कहते गबलगम नामक, कहते ये सूत के पुत्र थे हैं, सूत्र की ये पुत्र थे ये संजय, कहते ये बड़े शास्त्रज्ञ थे और ये बड़े उदार और ये धर्मात्मा थे संजय हैं, ये साधारण व्यक्ति नहीं था, ये ऋषि का पुत्र शास्त्रज्ञ उदार और धर्मत थे। इसी गुण के कारण कहते पितामह भीष्म ने क्या किया, विदुर और धृतराष्ट्र का राजमंत्री पद को नियुक्त किया था, इसलिए विदुर जी को और श्री संजय जी को ये दोनों को उन्होंने पितामह भीष्म ने इनको राजमंत्री पद में इनको दोनों को
नियुक्त किया था। कहते ये द्वितीय विदुर स्वरूप अर्जुन के प्रिय सखा थे, हैं, कहते संजय अर्जुन का प्रिय सखा भी थे। कहते इन्होंने व्यास देव की कृपा से, व्यास देव जी ने इनको क्या किया था, दिव्य दृष्टि प्रदान किया था। तुम युद्ध कहाँ हो रही थी, कुरुक्षेत्र में, और ये कहाँ बता रहे थे, हस्तिनापुर में, हस्तिनापुर में ये बता रहे थे। लेकिन युद्ध कहाँ हो रहा था, कुरुक्षेत्र में, मतलब कितने दूर से हो रहा था युद्ध, लेकिन यहीं पर बैठे बैठे करके सारे चीज को देख देख कर उनको ये सारे बात को ये बता रहे थे। ये इसलिए कहते श्री युधिष्ठिर जैसे बड़ी मृदु भाषी, बड़ी मीठी भाषी, कहते ये संजय भी बड़े मीठी भाषी थे। कहते ये परम हितैषी थे, शांत स्वभाव के थे, सर्वदा संतुष्ट रहने वाले थे, समदर्शी, उनको समदर्शी बताया जाता था। इसलिए ये हर समय मर्यादा में प्रतिष्ठित रहते थे, किसी को कभी दुर्व्यवहार नहीं करते थे। कहते किसी को प्रति इनकी भेद भावना इनके नहीं था, धर्मज्ञ थे। इसलिए श्री पितामह भीष्म ने इनको क्या किया, बोले इनको संजय को उनने श्री धृतराष्ट्र को पास में रखे, बोले तुम इनको सारे बात को तुम इनको बताते रहो। इसलिए कहते किम अकुर्बन संजय, संजय ये बताओ पांडव और कुरु एकत्रित होकर के ये धर्म क्षेत्र रूपी कुरुक्षेत्र में इन लोगों ने किया था, ठीक है। कहते ये पहला श्लोक है, इसलिए तुम मेरे पास में आना, यहाँ से मैं तुमको दिखा दूंगा। तुम हाँ तुम लिख लेना, तुम लिखने के बाद फिर ये जो बच्चे लोग हैं ना, हाँ वहीं से ये बच्चे लोग सब कैसा, ये बच्चे लोग उतार लेंगे, बच्चे लोग उतार करके फिर तुम लोग कोशिश करना उसको पढ़ने के लिए, क्योंकि देखा एक एक शब्द की कितने कितना अर्थ है। लेकिन साधारण रूप में एक शब्द दिखता है, लेकिन क्यों किस लिए उन्होंने ये सब शब्दों को बोले, इसका बड़े गूढ़ रहस्य है। और ये जो ये हमारे यहाँ पर गीता है, यहाँ पर है ना, इसलिए अगर आप लोगों को जरूरत है गीता की, गीता है आप लोगों के पास में, लेकिन गीता होने पर भी ये जो टीका, जो विश्वनाथ चौटा का जो टीका है, इसको बंद कर दो। इसलिए जो विश्वनाथ चौटा का जो टीका